अपने एसीआर में नंबर दीजिए प्लीज, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक एजुकेशन फॉरवर्ड. सो वन इज दिस, देन सेकंड इज यू विल हैव टू गिव ऑन साइट सपोर्ट. हम लोग का जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग का SCRT होता है, यू आर अवेयर, एवरी स्टेट हैज अ स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज, एवरी ब्लॉक हैज अ BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर. देन उसके नीचे 10-10 स्कूल का क्लस्टर बना के CRC होता है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर. क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में जो 5-6 टीचर्स होती हैं वो ऑन साइट सपोर्ट देती हैं. वो हर स्कूल में जाती है महीने में 2-3 बार एंड ऑन साइट क्लासेस अटेंड करती है, डेमोन्स्ट्रेशन देखती है. देन दे टेल द टीचर कि इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले आओ, इसका लेसन प्लान चेंज कर दो, इसका असेसमेंट सिस्टम चेंज कर दो. दिस ऑन साइट सपोर्ट इज नाउ रिक्वायर्ड इफ वी वॉन्ट अ माइंड सेट चेंज, इफ यू वॉन्ट अ पर्सपेक्टिव चेंज, अ चेंज इन द वे वी डू क्लासरूम ट्रांजेक्शन. अब आप इसको कैसे करोगे ये आप डिसाइड करो. आप फिजिकली करोगे कि आप उसको बोलोगे कि लैपटॉप लगा लो, आई वॉन्ट टू वॉच योर क्लासरूम. आप ऑनलाइन करोगे, देर आर सो मेनी टूल्स नाउ टू डू दिस. यू डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू डू, बट डू इट, दैट इज वेरी एसेंशियल. देन यू ऑल्सो नीड टू बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ द टीचर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स, विच इज नॉट हैपनिंग एज ऑफ नाउ. अभी हमने क्या किया है कि जैसे ही पैंडेमिक आया तो फटाफट IT का पढ़ाना शुरू किया, हाउ टू टेक क्लासेस ऑनलाइन, हाउ टू डू दिस. Why have we not anticipated the fact that the future is full of technology? We should have done this 5 years back. So anticipate. Anticipate what is coming in. And then go ahead, teach those skills to the teachers. Anticipate climate change. I'm sorry I'm insisting on this so much because maybe I have read too much about it and I have worked in this area also earlier and I know what's going to happen. Give another 20-30 years to the whole world and things are not going to be the same unless we take steps now. So anticipate these things. Teach your teachers these skills. Teach them about energy efficiency. Teach them about climate change. Teach them about coding. I mean, all these things go into it. Then finally, when I come to the headquarters, I've had very detailed interviews with Nithi and we have decided jointly that a lot of technology will have to be used to reduce the burden on administration, on regional offices, on data requirements and stuff like that. And I'm so glad that it is going forward. A lot of work has already been initiated and some work will be initiated. I also want to request the headquarters to take up the solar